फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे यहाँ कितना खास दिन है हमारे देश के लिए, सभी के लिए है। तो मेरी तरफ से आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब बधाई हूँ। आप लोग खूब इंजॉय करिएगा। हमारे रामलला आज अपने घर आ रहे हैं, यानी कि अयोध्या आ रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ हमारे देश में खुशी की बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशी की लहर। आज सभी लोग अपने घर में छोटी दिवाली भी मनाएंगे, छोटी सी, जैसे हम लोग अपनी दिवाली मनाते हैं वैसे ही मैं तो मनाऊंगी। तो अलग अलग तरीके से लोग इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, हमारे देश में, पूरे देश में आप लोग अलग अलग तरीके से हर्षोल्लास मना रहे हैं और अपना अपना अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। तो मेरे यहाँ भी है, आज गांव में, हमारे गांव में भी आज छोटा सा भंडारा है जो कि मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो वैसे भंडारा तो राम मंदिर के लिए नहीं है, वो हर साल होता है 22 जनवरी को ही, लेकिन इस साल किस्मत से ये भी पड़ गया तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। भंडारे का ब्लॉग भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, तो ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। तो गाइस, आज आप लोग कैसे मना रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप लोगों के यहाँ कैसा, क्या आपने सेलिब्रेट किया है। तो आज हमारे यहाँ बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि आज हमारे यहाँ रामलला आ रहे हैं। इतने सालों बाद, इतने सालों का इंतज़ार आज ख़त्म हो रहा है, रामलला अयोध्या आ रहे हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो आज हमारा दिन तो बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैं अभी कर लेती हूँ अपना सुबह का काम। यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है चूल्हे में, तो ये चाय बन रही है। उसके बाद मैं अपना झाड़ू पोछा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। खा रहे हैं कि दे रहे हैं? बहुत ही मजा आ रहा है कि गांव की सारी लड़कियाँ मिलती हैं एक साथ, और औरतें भी, तो बहुत ज़्यादा मजा आई। तो ऐसे कुछ खा रहे थे लोग और कुछ लोग परोस रहे थे, और यहाँ पर हम लोग पूरे बन रहे थे, तो मैं बहुत इंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर आए थे कुछ लोग जो फेरी में गए थे, गांव घुमाने गए थे डीजे लेके, बाजा लेके, तो उन लोग फेरी करके आए थे। तो हम लोग पलट पलट के देख रहे थे सब लोग, और यहाँ पर लोग इतने अच्छे से सब लोगों को परोस रहे थे, खा रहे थे। और इधर हम लोग चौतरे में चूड़ियाँ बेल रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रही थी। इतने दिनों बाद सब लोग मिलते हैं, एक साल बाद एक साथ वैसे, तो हम लोग घर में ही पड़े रहते हैं, तो बहुत इंजॉय किया हमने। यहाँ पर हमने खुद भी खाना खाया और बस फ्रेंड्स, मैं वहाँ से आ गई थी, पूड़ियाँ मिलवाई मैंने, फिर उसके बाद हमने भंडारा भी खाया, खूब सारा एंजॉय किया, मैंने तो बहुत सारा एंजॉय किया। उसके बाद हम घर में दिवाली मनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ना। तो आज मम्मी कर रही हैं यहाँ पर इस वाले रूम में पूजा, बिल्कुल दिवाली जैसे हम लोगों के यहाँ दिवाली में होती है जैसे पूजा। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, देख सकते हैं। तो वो मम्मी ने पूजा कर दी, मैंने बस प्रणाम कर लिया था क्योंकि मैंने पूजा नहीं की थी, मम्मी ने की है। तो इसी दिवाली की मैं बात कर रही थी कि हम छोटी दिवाली मनाएंगे आज, तो हमने ऐसे दिवाली सेलिब्रेट किया। और थोड़ी सी मैं दीपक भी रखूँगी छत में जाकर, थोड़ी देर बाद मैं दीपक रखूँगी छत में। उसके बाद जैसे मतलब इतना बड़ा त्यौहार तो नहीं मना सके, लेकिन हाँ थोड़ा हमसे जितना बन पड़ा उतना किया। और मैं जब वहाँ पर चली गई थी तो मम्मी ने लड्डू भी बनाए थे भोग के लिए, उसको मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को। तो मम्मी ने लड्डू बनाए थे भोग लगाने के लिए आज स्पेशल। तो अच्छा, हमारी पूजा बस इतनी ही थी कुछ इस तरीके से। तो अभी हो सकता है मैं एक बार और जाऊँगी मम्मी को लेकर भंडारा खिलाने, तो उसका भीड़ में शायद नहीं बना पाऊँगी, रात हो चुकी है, अब देख सकते हैं आप लोग बाहर, तो रात हो चुकी है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो आज का, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यार से कमेंट करिएगा, और हाँ एक लाइक करिएगा ज़रूर। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।